एक अनोखा आइटम आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। बहुत देर से फरमाइश कर रहे हैं लोग, मैं मई महीने के 18 तारीख को उल्लासनगर में ये गाना गाया। बदनसीबी के बीच में लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन बंद हो गई। उसके बाद 19 मई को यही गाना मैंने थाना में गाया, 25 तारीख को फिर थाना में गाया। तथागत की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे साथियों, मेरी माताओं, ये मेरा गाना पूरे भारत में बहुत अच्छा रिस्पांस कमा रहा है। और इस गाने को अभी अभी मैंने रिकॉर्ड भी किया है। अभी मैं बंबई शहर में ही हूँ। 3 तारीख से मेरी रिकॉर्डिंग शुरू थी, जिसमें ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं चाहूँगा कि ये गाना पूरा शांति से आप लोग सुनेंगे, और पैसे देने वालों से भी विनती करूँगा, मेरे साथियों, बुरा नहीं मानना, गाना ख़त्म होने के बाद ही कोई मंच पर आए, पैसे दे या और भी कोई खलल मुझे पसंद नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, क्योंकि ये गाना मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, काफ़ी मेहनत लगी है ये गाना लिखने के लिए। और दूसरी बात, ये गाने ने एक इतिहास भी रचा है। इसे लता मंगेशकर जी ने गाया है, कवि प्रदीप ने लिखा था, और संगीत दिया था सी रामचंद्र जी ने। जब ये गाना लता मंगेशकर जी ने दिल्ली के लाल किले से गाया, लता मंगेशकर जी ने ये गाना उनके लिए गाया था जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, इस देश के नाम अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे जाबाज नौजवान शहीदों के लिए लता मंगेशकर जी ने गाया था। मैंने इस पर गाना लिखने की जरूरत की है, मेरे साथियों। ये गाना सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के लाल किले पर रो पड़े थे। इस गाने ने मेरे भी दिल पर बहुत असर किया, और सोचा कि क्यों ना इस गाने को लिखा जाए। मैंने इस गाने के रस को बदलने नहीं दिया, मैंने इस गाने के अर्थ को बदलने नहीं दिया। बदला है तो सिर्फ व्यक्ति बदला है। और अभी आप अपने अपने नजरिए से सुनिए, जानिए और महसूस कीजिए। लता मंगेशकर जी ने दिल्ली के लाल किले से जब ये गाना गाया, तो शहीदों के लिए गाया था। वो गाना ये था, ऐ मेरे वतन के तुम खूब लगाओ नारा, है शुभ दिन ये हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ये वो गाना था। मैंने इसमें सिर्फ व्यक्ति बदला है, रस को नहीं बदला। व्यक्ति कैसे बदला, सुनिएगा। ऐ भीम के चाहने वालों,
मुक्ति दिने ये हम सबका रहो मिलकर भाई भाई इसमें सबकी भलाई। कुछ अब तो शर्म तुम कर लो, कुछ अब तो शर्म जाओ, आओ लौट के खो जाओ। क्यों कि बाबा ने तुम्हारी खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। बाबा ने तुम्हारे खून का अपने पानी, वो याद करो कुर्बानी। बाबा ने तुम्हारे अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। मेरे एक एक बोल को तराजू में तोल कर सुनना मेरे भाइयों। वो याद करो कुर्बानी, कौन सी? अरे एक था वो जमाना जिसकी याद आती है, एक था वो जमाना। वो याद करो कुर्बानी, बाबा के बच्चों, बाबा के लाडलो, करो याद अपने बाबा को, याद करो। एक में बाबा की पार्टी के 36 टुकड़े करने वालों, याद करो अपने बाबा की कुर्बानी को, याद करो। शर्म करो भड़ो, शर्म करो। अरे एक था वो जमाना जिसकी याद आती है, एक था वो जमाना जिसकी याद आती है, और शर्म से गर्दन हमारी ये झुकी जाती है। अरे कोई दरवाजे पर ना हमको आने देते थे, हमारे हाथ का वो पानी तक ना पीते थे। अरे यहाँ तलक के पढ़ना लिखना मना था हमको, स्कूल में पांव तक रखना भी गुनाह था हमको। फिर कहाँ तालीम पाते, अरे किसको दर्द दिखलाते, कौन सुनता हमारी, आज हम कहाँ जाते। अरे मगर भगवान बन के भीम हमारे आए, मगर भगवान बन के भीम हमारे आए, हमें हर जुल्मतों की आंधियों से छुड़वाए। अरे हमारे वास्ते स्कूल और कॉलेज खोले, हरे गरीब को स्कॉलरशिप दिलवाए। अरे कितने उपकार मेरे भिन्ने दलितों पे किए, मगर अफसोस है कुछ लोग उन्हें भूल गए। कितने उपकार मेरे भिन्ने दलितों पे किए, मगर अफसोस है कुछ लोग उन्हें भूल गए। अरे आज
आज लीडर बने हैं वकील, कोई मिनिस्टर, कोई डॉक्टर बना है और कोई प्रोफेसर, कोई ऑफिस में बना क्लर्क, कोई ऑफिसर, तो कोई बना है कमिश्नर पुलिस में जाकर। अरे मगर वो अपनी जात धर्म को छिपाते हैं और हम कोई और है दुनिया को ये दिखाते हैं। तो थू ऐसे जीने से, अरे थू ऐसे जीने से, मरना ही बहुत अच्छा है। अरे इंसान वो ही है ईमान जिसका सच्चा है। भगवान तुम्हारी खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। भगवान तुम्हारे खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। कि मेरे बाबा में किसी बात की कमतान ना थी, कहीं से नाखून से बाल कलक बाबा में किसी बात की कमतरता नजर नहीं आई। अरे जिन्होंने बाबा साहब को अछूत समझकर धुतकारा, उन्हें बाबा ने अपने कदमों में झुका के बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू प्रसाद, महात्मा गांधी जैसे को नतमस्तक होना पड़ा। मेरे बाबा में किसी बात की कमतान ना थी, मगर अफसोस दुश्मन को ये पहचान ना थी। अरे जंगे मैदान में गरजते थे जब वो शेर तरह, करते थे पल घड़ी में मर्दमी का कौल पूरा। नहीं हस्ती किसी की टकराएगा क्या जालम, हमारी शान क्या है ये जानता सारा आलम। देखी है आजमा के जिसने भीम की ताकत, रह गए मोम बनके देख के उनकी हैसियत। अरे रहा रहा हमसे जो जुदा, उससे कोई पैर नहीं, और किया जिसने भी ज्यादा, उसकी तो फिर खैर नहीं। बाबा ने तुम्हारे खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। जय भीम जय भीम जय भीम कहना, बंद है। था मनुवादियों का डेरा, था मनुवादियों का डेरा, था मनुवादियों का डेरा, था मनुवादियों का डेरा, हमें जातिवाद ने घेरा, था मनुवादियों का डेरा, हमें जातिवाद ने घेरा। तब मनुस्मृति को जलाकर बदली वो रस्म पुरानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। बाबा ने तुम्हारे खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। जय भीम जय भीम जय भीम कहना।
थोड़ा अब हम सुनिएगा मेरे साथियों। जब मनु ने चार वर्ण बनाए, नीच ऊंच का भेदभाव किया, ऐसे में हमारे बाबा हुआ चारों ही वर्ण व्यापारी, हुआ चारों ही वर्ण व्यापारी, नी भी मुने वो ललकारी, हुआ चारों ही वर्ण व्यापारी, नी भी मुने वो ललकारी, हुआ चारों ही वर्ण व्यापारी, नी भी मुने वो ललकारी। मेरी तरफ गौर करना, रही देखते दुनिया सारी, गौतम की शरण में जाकर दी राह हमें इंसानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। शरण में जाकर दी राह हमें इंसानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। और करना, अधर्म से कर ले लड़ाई, 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 बाबा ने कलम उठाई, अधर्म से कर ले लड़ाई, बाबा ने कलम उठाई, सोची भलाई इस देश में समता लाई, बहुजनों की सोची भलाई इस देश में समता लाई, अधर्म से करने लड़ाई, बाबा ने कलम उठाई, बहुजनों की सोची भलाई इस देश में समता लाई, लड़ा काम साथ में साथी कोई, अधिकार को अपने छीना, वो करके दिखाई बाली, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी।
अधिकार को अपने छीना, वो करके दिखाई बानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। बाबा ने तुम्हारे खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। जय भीम जय भीम जय भीम ही कहना, आखिरी अंतरा है। इसमें मैंने मेरा मक्ता मेरी छाप डालना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूं, मेरा मक्ता मेरी छाप उसी गाने में डालता हूं जहां जरूरी होता है। ये बाबा साहब का उल्लेख है, बाबा साहब के बारे में मैंने पहले ही कहा था, खाली व्यक्ति बदला है गाने में, मैं इसमें अपने बाप का नाम या मेरा नाम डालकर गाने को खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मेरे नाम का उल्लेख इसमें नहीं किया है। और एक खुशखबरी देता हूं, ये गाना 30 तारीख तक आपको सीडी वीसीडी कैसेट मार्केट में आपको मिल जाएगी। अभी अभी रिकॉर्डिंग करके मैं इधर आया हूं, उसका नाम रखा है मैंने वो याद करो कुर्बानी, दूसरे नंबर पर ही ये गाना है। तो ये आखिरी बन सुनिएगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, कि आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मजबूत संगठना होते हुए भी तोड़ दी गई, और इसे तू इसके टूटने की वजह से आज जुल्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी ताकत का अंदाजा हमारे दुश्मन को हो रहा है। हमारा दुश्मन जानता है कि ये टुकड़ों में बटे हुए भीम के बच्चे क्या कर सकेंगे, टुकड़ों में बटे हुए भीम के बच्चे क्या करेंगे। सम्राट पेपर में आप हमेशा पढ़ते हैं पश्चिम महाराष्ट्र का जुल्म अत्याचार, उधर बिहार यूपी मायावती बोलती है मैं बाबा साहब का मिशन चला रही हूं। अरे जब बाबा साहब का मिशन चला रही हो, बाबा की बेटी कहती हो, तो फिर ऐसा जुल्म और ऐसा अत्याचार तुम्हारे इलाके में क्यों? क्या भूल गई हो तुम? भूल गए वो कांशीराम जिन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया था कि आने वाले 2006 में मैं दीक्षा लूंगा। मायावती ने भी कहा था मैं दीक्षा लूंगी। अरे कहा गया तुम्हारा वादा? ये बाबा साहब के भोले भाले बच्चों को फंसाने वाले फुसलाने वाले, मैं किसी भी नेता की तरफदारी कभी नहीं करता। सबसे पहले मेरा परिचय आप लोगों को देना चाहता हूं। मेरा नाम प्रकाशनाथ पाटनकर। मैंने कभी जिंदगी में 33 साल हुए मैं गाना गाता हूं, मैंने कभी किसी नेता की सिफारिश मेरे गाने में नहीं की, मैंने कभी इलेक्शन की कैनवेसिंग नहीं की। अरे मैंने अपने जिंदगी में कभी गणपति देवी या किसी बावावली का गाना नहीं गाया। मेरी जनता, ये मेरा समाज मुझे पालता है, इनकी बदौलत मैंने मेरे बच्चों को इंजीनियर बनाया। फिर क्यों इधर उधर मुंह मारू, मैं क्यों इधर उधर घुसू? मेरे बाबा की जनता पेट भर के खिलाती है मुझे, मुझे नहीं जाना किधर। कट्टर हूं मैं कभी किसी नेता की तरफदारी नहीं करता। पिछले साल पिंपरी चिंचवड़ में आठवले साहब के कार्यकर्ताओं से झगड़ा हुआ मेरा,
कहा आठवले की शान में गाइए। अरे क्यों आठवले की शान में गाऊं, आठवले क्या बाप का गाना सुनो ना, क्या आठवले की शान में सुनते हो। और बाबा के जाने के बाद ये जुल्म और अत्याचार हो रहा है, इसलिए ये प्रकाशनाथ पाटन कर तुम लोगों से पूछता है क्या, वो कर तुम भी मुके बेटे, 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 आज मेरे दिल की भड़ास निकाल ही देना चाहता हूं। हमारा कलाकार मंच, सारे कलाकारों ने मिलकर रिपब्लिकन पार्टी की एकता के लिए, जितने भी महाराष्ट्र के कलाकार हैं, एकता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। मगर मैं मेरा अपना नजरिया बयान कर रहा हूं, मैं कलाकारों की बुराई नहीं कर रहा। बाबा के बेटे हैं, उन्हें क्या मालूम अंदर क्या है और बाहर क्या है। वो लड़ रहे बेचारे, भोले वाले बच्चे हैं बाबा के, उन्हें क्या मालूम किसकी ताकत पीछे लगती है, उन्हें नहीं मालूम। पर ये नागवंशी नागोराव का बच्चा, वो भूल गया था। मैं बोलते बोलते, देखिए मैंने अपने परिचय पर एक शेर लिखा है। मेरा परिचय है, नागपुर का रहने वाला नागोराव का बच्चा, नाम प्रकाश। तो चार लाइनें मैंने लिखी हैं कि चमकणाऱ्या ताऱ्यांचा मी एक भाग आहे, कारण नाव प्रकाश आहे। चमकणाऱ्या ताऱ्यांचा मी एक भाग आहे, पोलादाचे करीन पाणी मी अशी आग आहे। अरे होऊन गेले नागवंशी ज्या नागनगरातून, त्या नागवंशीयातील मी एक नाग आहे। तो मेरे साथियों, सारे कलाकारों ने एकता मंच खोला, बड़ी खुशी हुई। मेरा भी नाम उसमें दर्ज है, मैं भी उनके साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। पेपर में मेरा भी नाम आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन मैं मेरे अपने व्यक्तिगत विचार पेश करना चाहता हूं कि ये एकता का नारा, कृपया मेरी तरफ ध्यान रखना, कि ये एकता का नारा जो कलाकार लोग लगा रहे हैं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि मेरे बाबा की जनता को एकता की जरूरत नहीं। ये मेरी तमाम बाबा की जनता एक है। अरे हमें खंबीर नेतृत्व की जरूरत है, एकता की नहीं। और ये चार एक हो भी जाएंगे तो क्या तोड़ लेंगे, एक हो भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे। इसलिए हमें नौजवान नया जोशीला खून चाहिए। ये पुराने बुड्ढे बाड्ढों को हकाल दो, निकाल दो, नया खून, नया जोश, नई ताकत, नई रोशनी लानी है हमें। ये एक होगी भी तो प्रकाश पाटनकर को खुशी नहीं होगी। क्यों? कि इनके चक्कर में कई मर्तबा हम फंस चुके हैं, अब फंसने वाले नहीं, अब फंसने वाले नहीं। इसलिए कहना चाहूंगा, होकर तुम भी मुके बेटे, होकर तुम भी मुके बेटे, फिर भी क्यों जुल्म है होते, फिर भी क्यों जुल्म है होते, एक ताकी मशाल जलाओ, एक ताकी मशाल जलाओ, कर काम की चाहते भलाई, कर काम की चाहते भलाई, फिर किसी की मजाल ना होगी,
दिखलाओ वो मर्दानी, किया खून का उसने पानी, वो याद करो मर्दानी।